नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं हूं मनविंदर और मेरी चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी गर्माहट चल रही है, काफ़ी उठापटक चल रही है, एक तरह की अजीब सी अफरातफरी मची हुई है। वहाँ सीएम उद्धव ठाकरे के सामने जो चैलेंज आ रहे हैं उसको वो कैसे हैंडल करें ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, आज नवनीत राणा को जमानत मिली है। वो पिछले 5 दिनों से जेल में थी और अपने पति रवि राणा के साथ थी, और अभी वो अपने घर भी नहीं पहुंची है कि बीएमसी ने उनके फ्लैट के बाहर नोटिस जमा कर दिया है। ये नोटिस अवैध निर्माण को लेकर के है। तो ऐसे में किसी भी आम इंसान को ये लग सकता है कि महाराष्ट्र सरकार उनके पीछे ही पड़ चुकी है। देश में हनुमान चालीसा बोलने पर राजद्रोह का गुनाह लगता है, तो इसे मूर्खतापूर्ण बात ही कह सकते हैं। ये सरकार की टोटली एक कहना चाहिए कि मूर्खतापूर्ण उनका कदम था, जिसे आज कोर्ट ने भी उन्हें जमानत दे करके उजागर कर दिया। और नवनीत राणा को जमानत मिलनी ही थी। कोर्ट में मुंबई पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि नवनीत राणा पे गंभीर आरोप है। सरकार की दलील है कि जेल से बाहर निकलकर राणा दंपति केस को प्रभावित कर सकते हैं। पुलिस की ओर से ये भी कहा कि धारा 139 का नोटिस दिए जाने के बावजूद राणा दंपति ने एक इंटरव्यू में राज्य सरकार को खुलेआम चुनौती दी। मामला इतना सीधा और सरल भी नहीं है जितना बताया जा रहा है। और पुलिस का ये भी कहना था कि राणा दंपति का मकसद हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं था, उनका मकसद कानून व्यवस्था को बिगाड़ करके ठाकरे सरकार के लिए चुनौती पेश करना था। राणा दंपति राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के अस्तित्व को चुनौती देने की साजिश रच रहे थे, ये पुलिस का कहना है। जब पुलिस ने उन्हें पहले ही धारा 139 के तहत नोटिस देकर रोकने की कोशिश की थी, वे मातोश्री के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद पे क्यों अड़े रहे, ये भी पुलिस की दलील थी। इसलिए क्योंकि वे अराजकता की हालत पैदा करना चाह रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और लिहाजा इन्हें बेल ना दी जाए। वहीं राणा दंपति के वकील ने अपनी दलील में कहा कि राणा दंपति एक जिम्मेदार नागरिक है, एक जिम्मेदार कपल है और हर शर्त का पालन करेंगे। सुनवाई के दौरान वकील ने उन पर लगाए गए राजद्रोह के आरोप पर भी सवाल उठा दिया। इस दौरान वकील ने कहा कि राणा दंपति 8 साल की उनकी बेटी भी है, वो अकेली है घर में, लिहाजा उनको बेल दी जानी चाहिए। और दूसरा ये भी है कि याचिकाकर्ताओं का मुख्यमंत्री के निजी आवास के पास हनुमान चालीसा का पाठ करके नफरत फैलाने का कोई उनका इरादा नहीं था, कोई उनकी इंटेंशन नहीं थी। ऐसे में उन पर इतने सारे आरोप लगाना गलत बात है। दरअसल सारा विवाद तब शुरू हुआ था जब नवनीत राणा ने ऐलान किया कि सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और ऐलान के बाद शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नवनीत राणा के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद अमरावती लोकसभा सीट से सांसद नवनीत राणा और उनके पति बंडेरा से विधायक ने हालांकि 23 अप्रैल को ही मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने संबंधी जो उनकी योजना थी, जो उनका एजेंडा था, उसे रद्द कर दिया था, लेकिन पुलिस ने फिर भी उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। और तब से नवनीत राणा काफ़ी सुर्खियों में थी और काफ़ी उनको लेकर के राजनीतिक हलकों में बात हो रही थी। आज उनको जमानत मिल गई है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा, आप मुझे अपने कमेंट के द्वारा अपनी राय दे सकते हैं। एक और बात, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो पे आप लाइक का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मुझे भी ये पता चले कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं फिर हाजिर होती हूँ कोई और खबर लेकर के। जय हिंद, जय भारत।